नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल ट्यूब नॉलेज। दोस्तों, अगर आपके भी जियो मोबाइल या जियो नेटवर्क पर जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही कम आ रही है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल काफी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जियो यूजर्स, क्योंकि दोस्तों रिचार्ज होने के बावजूद भी उनको जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ना के बराबर मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें जिससे आपको क्लियरली ये पता चल सके कि आपका जो जियो स्पीड है, जो जियो की इंटरनेट स्पीड है वो आपको क्यों नहीं मिल रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप किस तरीके से जियो की जो इंटरनेट स्पीड है उसको आप ग्रो कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज के होते हुए भी आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो आपको नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आगे चलकर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक करके न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों पिछले कुछ समय से जियो की जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। इसका क्या कारण है, माई जियो एप्लीकेशन के द्वारा हम जानेंगे कि आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो आपको क्यों नहीं मिल रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जिससे हम जानेंगे कि आपके मोबाइल में या आप किस प्रॉब्लम के कारण आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आप भी जियो की स्लो स्पीड से परेशान हैं तो आपको सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि आपको अपनी मोबाइल की जो माई जियो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं थ्री टैब बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल बार है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस मेथड से आप ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे थ्री टैब बटन पर क्लिक करते हैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे एक सेकेंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जियो केयर हेल्प एंड सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जो थर्ड बटन है यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रबल शूट, यहाँ पर आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है यहाँ पर आपके मोबाइल में, अगर आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो क्यों कम आ रहा है, ये आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कहीं भी कस्टमर केयर में कॉल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसी ऐप के थ्रू इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है द इंटरनेट स्पीड ऑन मोबाइल इज स्लो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो सेकंड बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन स्कैन किया जाएगा और एक्चुअल में यह चेक किया जाएगी कि आपको किस तरीके की परेशानी आ रही है जिसके कारण आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कम है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो जितने भी टेक्निकल इसकी प्रोसेस है वो यहाँ पे सारी अपडेट आ चुकी है, और जो आप लास्ट में देख रहे हैं हाई स्पीड लिमिट है इस पर यहाँ पे एरर आया, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यू हैव रिचार्ज योर हाई स्पीड डाटा लिमिट, यानी कि आपकी जो डाटा लिमिट है वो आप क्रॉस कर चुके हैं, इसी कारण आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो कम मिल रही है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में जो डाटा है वो अगर है और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने जो अपना जो लिमिट था वो क्रॉस कर लिया, तो आप यहाँ से टाइप करके इसमें कुछ लिख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल डाटा है वो ऑन है, यहाँ पर इसका जो स्टेटस है वो यस दिखा रहा है, जो जियो सिम स्लॉट है वो इंस्टर्ड है, और यहाँ पे देखिए डाटा सर्विस एक्टिव है, और यहाँ पर आपका जो प्लान है वो यहाँ पे दिखा रहा है। नीचे आप देख रहे हैं आपके जो अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन है, और जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रही है जियो की तरफ से वो है आपकी जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो आप पैक आपका एक्सपायर हो चुका है, यानी कि आपको फिर से अगर आप एड ऑन पैक का यूज़ करते हैं, अगर आप जो डाटा एड ऑन पैक का यूज़ करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड आपको यहाँ पे फुली मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप चेक कर पा रहे हैं कि आप किस तरीके से आपकी जो इंटरनेट स्पीड है उसमें परेशानी हो रही है। दोस्तों इस प्रॉब्लम के बजाय कोई अगर और प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर आपको वो शो कर जाती जिससे आप उसका सॉल्यूशन ले सकते थे। तो दोस्तों अगर आपको भी जियो की जो स्पीड है उसमें आपको कमी दिखाई दे रही है या स्लो इंटरनेट स्पीड है तो आप यहाँ पर आकर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका अगर आपको सॉल्यूशन मिला तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें किसी और टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे।